काफी यूनिक है। आज है मेरा और मेरे हस्बैंड का मैरिज एनिवर्सरी, तो हमने दिन की शुरुआत की पूजा करके। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हम गए, वहाँ पर पूजा की। बहुत ही ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें इन मंदिरों में दिखेगी। एंड देन पूजा करके हमने बहुत सारे यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स किए। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इसके यहाँ पर मान्यता है। तो अभी कोविड होने के कारण बहुत ही कम भीड़ था। ये देखिए कुछ नेचुरल चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आरव बहुत ही खुश होता है ये सारी चीज़ें देख के, तो सो ही इज़ वेरी इन्जॉइंग दिस थिंग्स। तो मंदिर से आके हमें बहुत तेज की भूख लग गई, तो मैंने झट से कचौड़ी एंड आलू की रसदार सब्जी बनाया। आज के स्पेशल मेन्यू था ये सारी चीज़। मैं आप लोग को अपने नाश्ते का प्लेट दिखाती हूँ, कोई डाइटिंग वगैरह आज नहीं हुई। और ये कुछ मिठाइयाँ, मुँह मीठा तो करना बनता ही है। तो ये है हमारी नाश्ता का प्लेट। एंड देन नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने। एक्चुअली अमित ले जा रहा है मुझे कुछ गिफ्ट खरीदाने, आई डोंट नो वो कहाँ ले जा रहा है एंड क्या खरीदाने वाला है। जस्ट मुझे बोल के ले चल रहा है कि चलो कुछ गिफ्ट खरीद लो, तो हम निकल पड़े हैं। एंड ये आरव, ये एकदम सरप्राइज है मेरे लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस ये वीडियो में आप लोग मैं दिखूंगी। ओ माय गॉड, ये मुझे ले आया है एक ज्वेलरी शॉप में। एंड ही इज गिफ्टिंग मी दिस पेंडेंट, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ये खरीद के हम आ गए घर। हे गाइस, आज है मेरी एनिवर्सरी और आज एनिवर्सरी के दिन मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पिज़्ज़ा चैलेंज। काफ़ी यूनिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है, मैं या मेरे हस्बैंड। एंड द विनर इज मिस्टर अमित। यू आर द विनर। मैंने खाया 1.5 पिज्जा एंड इसने खाया 2.5। तो ही इज द विनर। सो मेरा जीता। पिज्जा चैलेंज तो हो गया और अमित ने मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं बना रही हूँ उसके लिए स्पेशल केक, ये चॉकलेट केक है, आप देख सकते हो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। एक्चुअली कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो केक बनाना मेरा डिपार्टमेंट रहता है और अमित का डिपार्टमेंट रहता है डेकोरेशन करना, तो वो अपने डेकोरेशन में बिज़ी है, मैं यहाँ पर केक में बिज़ी हूँ। और यह मैंने चॉकलेट गनाज से केक बनाया है, आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी अपनी वीडियो में। तो ये देखिए कितना टेस्टी हमारा ये केक बन गया है। सो दिस इज़ एनिवर्सरी केक एंड केक इज़ रेडी। चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ केक कटिंग के लिए। एंड दिस इज़ द डेकोरेशन ऑफ द पार्टी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, एक्चुअली बहुत ही प्यारा डेकोरेशन मुझे ये लगा। और ये लाइट्स ऑन होते हुए कुछ ऐसा लग रहा है, ये तो लाइट्स ऑफ में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए अब हम तैयार हो जाते हैं अपने पार्टी के लिए। टिंग का टाइम आ चुका है, हमने मेरे फ़ोन पे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम भी ऑनलाइन पार्टी ही मनाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा मेरा बहुत ही प्यारा ये दिन रहा, क्योंकि अमित ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया,
बहुत कुछ हमने आज किया एंड आरव भी बहुत इंजॉय करता है ये सारी चीज़ें। बेसिकली सुबह हम मंदिर गए, मंदिर से आके नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम शॉपिंग करने गए, उसके बाद पिज़्ज़ा चैलेंज करने के बाद खाना खा के केक बनाया, डेकोरेशन किया एंड इसी में शाम हो गया एंड केक कटिंग कर लिया। तो आपको मेरी ये एनिवर्सरी ब्लॉग कैसी लगी, पिज़्ज़ा चैलेंज कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आज के कुछ स्पेशल पिक्स।